अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महीनों की मशक्कत के बाद कांग्रेस ने भले ही हार्दिक पटेल को साध लिया है, इसके बावजूद हार्दिक के जरिए पाटीदार बिरादरी को साधने की राह इतनी भी आसान नहीं है। हार्दिक को साधने के बाद अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने आरक्षण फॉर्मूले पर फैले भ्रम को दूर करने की है। कांग्रेस को पूरे चुनाव प्रचार में बार बार यह बताना पड़ेगा कि पटेलों के लिए उसकी ओर से दिया गया आरक्षण का फॉर्मूला कैसे संवैधानिक दायरे में है। इसके इत्र हार्दिक ने तब कांग्रेस का दामन थामा है जब उनके साथ पाटीदार अमानत आंदोलन छेने वाले छह प्रमुख चेहरे उनका साथ छोड़ भाजपा का दामन थाम चुके हैं। भाजपा को अंदेशा था कि देर सवेर हार्दिक और कांग्रेस के बीच आरक्षण फॉर्मूले पर सहमति बननी तय है। यही कारण है कि पार्टी ने सबसे पहले हार्दिक के संगठन को कमजोर करने की रणनीति बनाई और इस रणनीति के तहत उनके सभी करीबियों को अपने पाले में कर लिया। इसके बाद हार्दिक के खिलाफ एकाएक कई अश्लील सीडी जारी करने का सिलसिला चला। अब भाजपा कांग्रेस हार्दिक के आरक्षण फॉर्मूले पर जबरदस्त हमला बोलने के मूड में है। पार्टी की योजना पाटीदार बिरादरी के बीच यह संदेश देने की है कि हार्दिक ने उनके साथ छल किया है। इस कड़ी में इस बिरादरी को यह समझाने की कोशिश होगी कि पाटीदारों को अलग से आरक्षण नहीं मिल सकता। ऐसा करने पर राज्य में आरक्षण की सीमा 50% पार कर जाएगी। सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि आरक्षण की सीमा 50% अधिक नहीं की जा सकती। इसकी शुरुआत वित्त मंत्री जेटली के बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कर भी दी है। भाजपा को इस बिरादरी का 2/3 और कड़वा पटेल का 80% से अधिक मत मिलता रहा है। हार्दिक पटेल कड़वा बिरादरी से हैं। ऐसे में भाजपा इस बिरादरी में हार्दिक का प्रभाव खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार से संबंधित मामले में वर्ष 1991 में सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय पीठ ने किसी भी सूरत में आरक्षण का दायरा 50% से अधिक नहीं होने की व्यवस्था दी थी। महाराष्ट्र में इसकी सीमा 52% है। इसके अलावा कई अन्य राज्यों में इसकी सीमा ज्यादा है। इससे जुड़े सभी मामले फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।